वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम कुश पांडे है और आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी, जो कि एकेडमिक ग्रुप का पार्ट है। दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को आपको जो वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स हिंदू के, हो सकता है 7 बजे ना मिले, थोड़ा डिले मिले या फिर 7 बजे मिले, पर ये वीडियोस मिलते रहेंगे। थर्सडे से जब मैं वापस ज्वाइन करूंगा स्टूडियोज, तो वहां से आपको 7 AM पे लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा घर में फैमिली फंक्शन है, पर मैं चाहता हूं कि आपको द हिंदू पूरा मिलता रहे, इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19th अगस्त के करंट अफेयर्स को और 18 जो संडे था उसे करंट अफेयर्स को। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड मुझे बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू। आप सबका स्वागत है हमारे सेशन में। मैंने जैसे पहले 6 AM में कहा था कि मैं अपने शहर लखनऊ में हूं और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को मैं अपने शहर में रहूंगा, और पूरी उम्मीद है थर्सडे को आपको मॉर्निंग में 7 AM करंट अफेयर्स मिलेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, इस करंट अफेयर्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड आपने कहा कि सर पेपर से पढ़ाएं, पेपर भी हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैं रिपीट फिर से कर दूँ, आज के एग्जामिनेशंस में जो अब सवाल आने लगे हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली आते हैं। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसी वजह से हम आपके सामने यहाँ पर आएँ। और ये शो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, भले ये आज कल परसों टाइम पे ना आए, पर ये आएगा ज़रूर। तो शो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लीज़, ये मेरा मानना है दिल से कि इससे बेहतर शो आपको करंट अफेयर्स डिटेल में नहीं मिलेगा। ये मेरे सपना भी और मेरा मानना भी है कि ऐसा पोस्ट, जैसे कि आपके सपने हैं एग्ज़ाम निकालने के, कुछ बनने के, मेरे सपने हैं कि मैं इस शो को इंडिया का बेस्ट करंट अफेयर्स शो बनाऊं, ताकि कोई भी कहे तो बोले कि कोई प्रिपरेशन करनी करंट अफेयर्स की तो इस शो से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। जो सपोर्ट करेंगे वो प्लीज़ ज़रा एक बार कमेंट डाल दीजिएगा, यस सर हम आपके साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही फेवरेट ऑथर है, उनका नाम है फ्रैंक काफ्का। इनकी एक किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, उस किताब का नाम है मेटामॉर्फोसिस। मात्र 80 रुपये किताब है, और वो किताब में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो चींटी बन जाता है, और चींटी बन जाने के बाद उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस होते हैं, वो लाइफ में कितनी मिन्नतें मेहनत करता है, उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर उस बुक का सार ये है कि हम कितने आसानी से जो हमारे पास है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमेशा आकांक्षा या इच्छा करते हैं। सो वट एवर यू हैव, प्लीज़ बी इन ग्रैटिट्यूड। अपने बारे में, चाहे आप कैसे भी हैं, आप बेस्ट हैं, आप हीरो हैं और आप लेजेंड हैं। तो गाइज, फॉलो योर मोस्ट इंटेंस ऑब्सेशंस मर्सिलेसली बाय फ्रैंक काफ्का। चलिए, तो आज मैंने एक चीज़ नई शुरू की है दोस्तों, आज हम आपको रोज़ एक हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो एक ऐतिहासिक घटना की हम बात करने जा रहे हैं, वो है दोस्तों हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो आज है, जो आपका कैपिटल है तेलंगाना का, ऐसा पहले नहीं था। हैदराबाद को लंबे समय तक रूल करते थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो मुग़ल साम्राज्य के छोटे जनरल हुआ करते थे। आगे चलकर निज़ाम का कद बढ़ा और निज़ामुल मुल्क जो हैं, उन्होंने हैदराबाद को काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। जब आज़ादी की बात आई, तो आज़ादी के समय हैदराबाद संशय में था, डाउट में था। कईयों का कहना था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, कईयों का कहना था कि वो अपना स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। अभी हाल ही में एक पार्टी है, आप नाम सुना होगा, जिसके ओवैसी साहब लीडर हैं MIM, वो पार्टी भी इसी समय बनी जब उनकी डिमांड थी कि उनको एक सॉवरेन स्टेट, एक संप्रभु राज्य बनाने की डिमांड की गई। हैदराबाद जो आज का है और जो हैदराबाद उस समय का था, उसमें कोई भी समानता नहीं है। उस समय हैदराबाद में आपका तेलुगु रीजन भी था, कर्नाटका का भी रीजन था, आंध्र का भी हिस्सा था, महाराष्ट्र का भी हिस्सा था। तो ये बहुत ही बड़ी आपकी रियासत थी हैदराबाद की, तो जो कि स्क्रीन पे आप इमेज को देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि हैदराबाद कितना बड़ा दिख रहा है। और बाकी चाहे बम्बई की बात कर लें, डेक्कन स्टेट्स की बात कर लें, चाहे यहाँ पर हुबली की बात कर लें, ये सब आपके जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ में यहाँ पर समाए गए हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोविंस है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश को कह सकते हैं, और जो यूनाइटेड प्रोविंसेज हैं उसको आप कह सकते हैं यूपी को। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसी के बारे में। 17 सितंबर 1948 को जो निज़ाम है हैदराबाद के, उन्होंने सरेंडर किया था। उन्होंने कहा कि वो अब एक संप्रभु या एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, वो अब इंडियन यूनियन के पार्ट हैं। हैदराबाद पहला भारतीय राज्य था, भारतीय रियासत थी, जिसने कि अलायंस किया था ब्रिटिश के साथ 1798 में, 1798 में। हैदराबाद को लंबे समय तक रूल किया निज़ामों ने, और जो गवर्नर्स थे मुग़ल एम्परर के, और वो चाहते थे कि उनका अलग से एक साम्राज्य बन के सामने आए।
यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी थी नेहरू जी की, उनको चाहते थे कि वो नेगोशिएट करें टर्म्स से, पर यहाँ पर वो पटेल थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ भी करके हैदराबाद को लेना है। बिकॉज अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि, और अगर मैं आपको यहाँ पर एक मैप बना के दिखाऊँ, मानते हैं गोला ये मैप है, यहाँ पर अगर आपका हैदराबाद है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, तो आप ही मेरे को बताओ कि अगर ये हमसे चला जाता तो भाई हम क्या करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान इसको ले भी लेता तो पाकिस्तान क्या करता, क्योंकि अगर हमने एयर स्पेस बंद कर देना था तो ये तो वैसे भी हमारा हो जाता। तो खैर एक अग्रीमेंट हुआ जिस अग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में कहा गया कि एक साल तक कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, और उसके एक साल के बाद एक ऑपरेशन किया गया, जो ऑपरेशन को लीड किया भारत ने, उस ऑपरेशन का दोस्तों नाम था ऑपरेशन पोलो। और ये ऑपरेशन के में जो वहाँ के जनरल थे सैयद अहमद अल दरूस, पाँचवें दिन मतलब 17 सितंबर को उन्होंने स्वीकार किया और हैदराबाद भारत का पार्ट हो गया। इसका डिटेल मैंने आप कमेंट्स में दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारे संडे के पेपर पे। तो ये आपके सामने संडे का पेपर जो स्क्रीन पे आपके सामने आ जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अति वरदार फेस्टिवल जो है ये आपका ख़त्म हुआ है। ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, फेस्टिवल आपका हुआ है कांचीपुरम के अंदर। कांचीपुरम आपका एरिया है तमिलनाडु में। तो सवाल यहाँ पर बनेगा दैट इन विच स्टेट द अति वरदार फेस्टिवल हैज़ कम्प्लीटेड, आंसर होगा तमिलनाडु। इन विच सिटी, आंसर होगा आपका कांचीपुरम। कांचीपुरम में इसको ख़त्म किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आइडल है, जो डाइटी है, जो भगवान है, उनका नाम है श्री देव राजा स्वामी, उनको यहाँ पर दोस्तों आइडल रखा गया है ऑफ अति वरदार। एक और उम्मीद है, मतलब ये शोक की खबर है कि हो सकता है अरुण जेटली साहब की तबीयत और ख़राब हो जाए, बिकॉज उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है एम्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है पेज नंबर 1 पे, वो थी इंडिया भूटान की। इंडिया भूटान ने 10 MOUs पर, 10 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें ना सिर्फ बात की गई है एविएशन की, आईटी की, पावर की, शिक्षा की, कई मुद्दों पर यहाँ पर दोस्तों बातचीत की गई। तो आइए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं इनका नाम है लोते शेरिंग, जो कि वहाँ पर आपके इनके कंपैट्रिएट हैं, इनके कद के वहाँ पर ये मंत्री हैं, वहाँ पर ये लीडर हैं, वहां पर ही हेड ऑफ स्टेट है, इनका नाम है लोते शेरिंग, जिनसे मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी की। तो एक बार ये देख लेते हैं इसको, किस खबर को, ये रहा आपके सामने। दोनों देशों के बीच 10 समझौता ज्ञापन हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मंग देचू पन बिजली संयंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मंग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसको लॉन्च किया। साथ ही में उन्होंने ये भी, उन्होंने जो स्टैंप होते हैं, जो डाक टिकट होते हैं, पिछले 50 सालों के भारतीय और भूटान के हाइड्रो पावर के रिश्तों को उसको रिलीज़ किया। इसके अलावा एक प्रोसेशन किया गया, एक पारंपरिक आपकी जुलूस निकाला गया, इसका नाम है आपका चिपडल। और ये इवेंट जो आपका हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ आपका एट दी ताशी जोदोंग पैलेस, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से और वहाँ के राजा से। बड़ी खबर यह है कि मोदी जी ने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है, और इसका इस्तेमाल उन्होंने किया एक परचेस करने के लिए फ्रॉम द सिमतोखा जोंग, जो 1629 में वहाँ के राजा शाह दुरुंग नामगिल या नामग्याल ने वहाँ पर बनाया था। तो दो तीन चीज़ें हैं याद रखिए, कितने समझौते हैं, स्टैम्प किस पर जारी हुआ, किन किन सेक्टर्स में MOU साइन हुआ है, और रुपे कार्ड लॉन्च किया गया कहाँ पर, लॉन्च किया गया, किया गया सिमतोखा जोंग पे, जो कि आपका भूटान के अंदर पड़ता है, जिसको 1629 में वहाँ के राजा सब दुरुंग नामग्याल ने बनाया। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। इसके अलावा $100 मिलियन एडिशनल पैसे देने की बात की गई है। दोस्तों एक अग्रीमेंट होता है स्टैंड बाई स्वैप। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊँ बहुत ही ब्रीफ में, कि एक है भोला, एक है भोली, ठीक है, दोनों को पता है कि अगर डॉलर होगा तो ही काम चलेगा। तो ये पूरी संभावना है कि कभी भोला के पास पैसा हो सकता है डॉलर, कभी भोली के पास। तो अग्रीमेंट ये हुआ कि भाई जब हमें ज़रूरत होगी डॉलर की, भोली जी भोला से ले लेंगी, और जब भोला का रिक्वायरमेंट होगी तो भोला जी भोली से ले लेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भूटान को ही ज़रूरत होगी, बिकॉज भूटान एक खुशहाल देश तो है, दुनिया का बहुत ही हैप्पी देश तो है, पर एक रिच कंट्री नहीं है। तो वहाँ पर जो करेंसी स्वैप होगा, जहाँ पर भूटान इंडिया से करेंसी मांग सकता है डॉलर की, वो $100 मिलियन तक भारत से वो करेंसी मांग सकता है, जिसके एवज में उसे उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर 50% भी समझ में आ गया, दिमाग में गया है, तो भाई लिख देना जी सर जी सर जी सर, हमें समझ में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक अग्रीमेंट किया गया, जहां पर ग्राउंड अर्थ स्टेशन और एक सैटकॉम नेटवर्क भी आपको लॉन्च किया गया इसरो की हेल्प से भूटान के अंदर, जिसके जरिए भूटान भी अपनी सैटेलाइट को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। क्लियर हो गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बार आइए देख लेते हैं हम भूटान को। भूटान बहुत ही रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भूटान और चाइना, चाइना का जो टिबेट है, इसको लेकर आजकल इशू चलता रहता है। हमें पता होना चाहिए डोकलाम के बारे में, जो कि बॉर्डर पड़ता है भारत और चाइना, जो कि बॉर्डर पड़ता है भूटान और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, उसको हम कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं ट्राई जंक्शन, जहाँ पर तीन एरियाज कन्वर्ज होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर डोकलाम को हमने दे दिया होता चाइना को, तो जो आपका ये दिख रहा है आपके सामने, देखो एक है चिकन्स नेक, जो कि है आपका ये जो आपका एरिया, ये डायरेक्ट अटैक आपका ये एरिया जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम चिकन स्नैक कहते हैं, इस पे अटैक हो जाता, जिससे कि जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और जो वेस्ट बंगाल है, उस पर अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती। इसीलिए आपका भूटान जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और बात कि भूटान ने कहा है कि जो हमारी मिलिट्री जिम्मेदारी है उसका पूरा, वो उसकी जिम्मेदारी इंडिया को ज़्यादा है, इंडिया पर वो ट्रस्ट करता है अपनी मिलिट्री ताकत को लेकर। तो कैपिटल है दोस्तों थिम्पू, करेंसी है नल्ट्रम, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जो है वो है आपकी, वो है यहाँ पर क्या, वो है आपकी दोस्तों जोंखा। ये यहाँ पर आप याद करिएगा। किंग जो यहाँ पर है वो हैं जिगमे खासेर नामग्याल वांगचुक, और प्राइम मिनिस्टर जो कि आप फोटो में देख सकते हैं वो हैं लोटे शेरिंग। क्लियर हुआ? देखो मेरी कोशिश है कि शो को इतना डिटेल में बनाऊं ताकि आपको हर एग्जाम आपका निकल सके। तो दोस्तों प्लीज़ दबा के शेयर कीजिएगा वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। जो पैनल है दोस्तों वो रिव्यू करेगा चार धाम के हाईवेज़ को, चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, इनको करेगा, बिकॉज इनके जो सड़कें हैं, जो इनके एरिया हैं, उनको लेकर दिक्कत की बात की गई है। तो एक बार आइए जान लेते हैं, पर उसको जानने से पहले जो कमेटी चार धाम हाईवे को लेकर रिव्यू कर रही है, जो कमेटी चार धाम हाईवे को लेकर अपना एनालिसिस बता रही है, अपनी समीक्षा बता रही है, उस कमेटी का नाम है चोपड़ा कमेटी। तो पहले बात तो ये याद कर लो कि चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे है, उसका संबंध है आपका चार धाम हाईवे के रिव्यू से। मेरी आवाज़ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर आ रही होगी। एक तो पहली खबर ये है, सेकेंड खबर है जो कि दी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर, मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा खबर कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगा ट्रेडर्स पेंशन प्लान। हमने किसान मानधन की बात सुनी होगी, हमने वृद्धों की पेंशन की बात सुनी होगी, सरकार अब ऐसे आपके बिजनेस वाले जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनको भी पेंशन प्रोवाइड करेगी, उसको भी सरकार जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो ये दो खबरें यहां पर इंपॉर्टेंट है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहले आइए एक बार देख लेते हैं, पर उससे पहले नीचे आ जाते हैं दोस्तों। नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसने लिखा हुआ है कि जो आपकी पेंशन प्लान है ट्रेडर्स के लिए, वो आपका 19 अगस्त को दोस्तों शुरू किया जाएगा, और ये एक मिशन था कि सेकेंड जो टेन्योर होगा मोदी जी का, उनके फर्स्ट 100 दिनों में वो एक ट्रेडर्स के लिए पेंशन प्लान लाएंगे, उसको अगस्त 19 को शुरू करने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि कई साइट्स हैं चारधाम के अंदर जो बहुत ही अनस्टेबल हैं, अस्थाई हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं और क्रिटिकल हैं, मतलब लैंडस्लाइड का, भूस्खलन का होना वहाँ पर बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा अलकनंदा वैली में या भागीरथी वैली में या फिर चमोली में, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक की और बाढ़ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर रोड को लंबा चौड़ा करने की यहाँ पर बात हुई, जिससे कि लैंडस्लिप का या फिर आपका भूस्खलन का संभावनाएं आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मोटा मोटा बात समझिएगा कि चार धाम के पैनल की कमेटी के अध्यक्ष, उनका नाम है चोपड़ा कमेटी, बस इतना ही याद रखना, बाकी काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस चोपड़ा कमेटी के अलावा जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिसने इस पे ज्ञापन लिया है या जो इसमें एड्रेस कर रही है, उसका नाम है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके ऊपर भी है कि वो कैसे इस चीज़ को और बेहतर यहाँ पर करे। तो NGT की बात कर लेते हैं। NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका एक्ट आपका बना 2 जून 2010 को इसको पारित किया गया, और इसके जो अभी करंट चेयरमैन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च करेगा एक ट्रेडर्स पेंशन प्लान। दोस्तों ये प्लान जो है ये लॉन्च करेगा मंत्रालय यूनियन लेबर का और एम्प्लॉयमेंट का, और इस प्लान का नाम जो है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है, वो नाम है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम, जिसके अंदर करीब 25 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ऑलरेडी टारगेट करेगा, और 2023-24 तक 2 करोड़ लोग इसके अंदर आने चाहिए। इनको 60 वर्ष के बाद दोस्तों पेंशन मिलेगा। इस स्कीम में आने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो ही आप इस स्कीम में आ सकते हैं। तो आपके जानने में कोई ऐसा व्यापारी होगा जिसका टर्नओवर इससे तो कम ही होगा, वो इसका स्कीम का पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छी पहले सरकार द्वारा
दोस्तों थिम्पू की बात करते हैं। थिम्पू में प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ का एयरपोर्ट है भूटान का पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम भी बड़ा अजीब बड़ा रंगीन सा है पारो, वहाँ पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर किया। साथ ही में वो वहाँ का जो एक रॉय यूनिवर्सिटी है जो कि विश्वविद्यालय वहाँ का है वहाँ पर भी गए। तो एक बार ये जान लेते हैं इनमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यह स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर ये गए, ये आपके गए रॉय यूनिवर्सिटी में जो कि वहाँ का है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भूटान है वो उनके लिए एक सैटेलाइट को भी लॉन्च करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बातचीत किया गया, इसके अलावा ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कमेंट कर देना जी सर हमें समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करें तो यहाँ पर एक ही चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है NRC के बारे में। NGO जो वहाँ पर है असम में, उसने कहा है कि जो लेगेसी डाटा है, मतलब जो लेगेसी डाटा मतलब वो लोग जिनके नाम लिस्ट में हैं या जो लोग पहले से ही राष्ट्रीय नागरिक हैं उनके डाटा में गड़बड़ी पाई गई है, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। तो NRC जो है फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो एक बार मैं आपको देता हूँ ब्रीफ में NRC क्या होता है। तो उसे NRC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको रखा जाता है। पहली बार NRC किया गया 1951 में और ख़ास तौर पर ये आपका असम के लिए किया गया। अब सवाल उठेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों ज़रूरत इसकी ये है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय कई ऐसे अल्पसंख्यक लोग भारत आ गए थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे। तो उनको चेक करने के लिए कौन इलीगल तौर पे भारत में रुका है, कौन नागरिक है, उनको यहाँ पर डिसाइड करने कहा गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि सरकार ने असम अकॉर्ड भी साइन किया था 1985 में, और वहाँ पर कहा गया था कि असम के अंदर उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा जिससे कि ऐसे लोग जो असम के या भारत के नहीं उनको निकाला जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों इसको यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी डिटेल में मैंने आपको दे दी है ग्राफिक, इस ग्राफिक को आप चाहो तो और डिटेल में पढ़ सकते हो। क्लियर है सबको? चलिए उम्मीद करता हूँ कि फुल फॉर्म तो आपको याद होगा, फुल फॉर्म ही एग्जाम में ज़्यादा आता है। दोस्तों एक देश है, वो देश बेहद सुंदर है या था, वो देश ऐसा है जो भारत को अपना बड़ा भाई मानता है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सरकार ज़रूर है पर अभी हाल ही में वहाँ पर तालिबान ने हमला किया है। इसके अलावा दोस्तों एक और देश है जो अफ्रीका का है और वो देश वहाँ के अंदर वहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको झेल रहा है, उस देश का नाम है दोस्तों सूडान। तो जो वहाँ की मिलिट्री काउंसिल है सूडान की, उसने एक पावर शेयरिंग डील किया है सिविलियन से लोगों के साथ, और ये डील जो है ये डील ही आगे चलकर सूडान को बेहतर करेगी। दोस्तों ये जो आपका सिविलियन लोग हैं, जो नागरिक है जिन्होंने ये अपोजिशन किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FFC, फुल फॉर्म रट्टा मार लेना, द फोर्सेस ऑफ फॉर फ्रीडम एंड चेंज, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों नाम है। इसके साथ एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। अच्छा सवाल उठेगा सर अग्रीमेंट में चीज़ें क्या क्या हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप ये देख लीजिएगा, इस अग्रीमेंट के तहत एक अलायंस बनाया जाएगा जो 39 मंथ्स के लिए बनेगा, मतलब 39 महीनों तक ही अलायंस रहेगा। इस अलायंस का मेन मकसद रहेगा कैसे हम सूडान के अंदर चुनाव कराएं, कैसे हम सूडान के अंदर इलेक्शंस को कराएं। इलेक्शंस के बाद तीन बॉडीज बनेंगी आपकी, एक बनेगी सॉवरेन काउंसिल जिसके अंदर होंगे आपके 11 मेंबर्स, 5 आपके होंगे ऑपोजिशन से, 5 मिलिट्री से, और एक आपका होगा जो सिविलियन होगा। इसके अलावा आर्म फोर्सेस आर्मी का एक जनरल होगा या फिर ओवरऑल आर्म फोर्स जनरल होगा जो लीड करेगा 21 मंथ से, और उसके बाद 18 महीने तक एक नागरिक उसको लीड करने वाला है। अगर हम बात करें सरकार की तो एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको ऑपोजिशन नॉमिनेट करेगा, और साथ में एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जो कि इस क्रिएशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी। ओवरऑल इसके अंदर 300 मेंबर्स होंगे इस लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। तो मोटा मोटा बात करें सूडान के अंदर वही हो रहा है जो हमारे देश में हुआ था आपका आज़ादी के समय पर, जाहिर सी बात है मॉडर्न डे का है तो इसमें कुछ चेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? एक बार चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पर मोटा मोटा बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि 8 महीने के प्रोटेस्ट के बाद, 250 लोगों की जान देने के बाद, 800 अरेस्ट के बाद फाइनली सूडान में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आपकी आने वाली है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने सूडान का मैप, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि खार्तूम इसकी राजधानी है और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है आपकी सूडानीज, और गवर्नमेंट में जो अभी चेयरमैन है मिलिट्री काउंसिल के उनका नाम है अब्देल फतेह अल बुरहान, और ये आपका अब नए सिरे से वहाँ पर आपका लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आने वाली है।
कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों? बढ़िया लग रहा है। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए जब तक सांस है तब तक ये शो चलता रहेगा। कभी कभी लेट हो सकता है, इसकी एक्सेप्शन है भाई, इस बार मेरे घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है। फिर भी मुझे पता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शो को लाता हूं, और मैं शो को बेहतर पहले से करता जा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, प्लीज़ शो को शेयर करते रहें अधिक से अधिक, और ये मेरा मानना है एक दिन ये शो आपके लिए सबसे बेहतर शो होगा करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम के लिए। फिर बात करते हैं पेज नंबर 11 की, ये संडे के बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चलता है, जहां पर यूएस का मानना है कि भैया वो चीज़ खरीदो बेचो जो अमेरिकन हो। चाइना ओबियसली बात है नया सुपर पावर है, वो अपनी चलाता है, तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको अभी चाइनीज़ आइटम्स को स्पेयर किया गया है, उन पर टैक्सेशन जो आपका है उसको लगाया नहीं गया है। ये करीब 44 कैटेगरीज हैं जिसमें आपका केमिकल कंपाउंड्स हैं या प्लास्टिक्स हैं, उनको इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। तो ये ट्रेड वॉर चलती जा रही है, बस में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत आपकी है नहीं। फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो उसने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया है जिसको कहते हैं डीआरएचपी, डीआरएचपी पर एग्जाम में बैंक में सवाल भी आया था। डीआरएचपी का फुल फॉर्म रट्टा मार लेना, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या फुल फॉर्म है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर या तो आपको बताते हैं कितने शेयर्स बेचेंगे, या फिर आपको बताते हैं कि कितना वैल्यू है शेयर्स का, मतलब 1,000 रुपये के शेयर हैं या टोटल वैल्यू 10,000 रुपये है, इनमें से एक ही की जानकारी वो दुनिया को देते हैं और उसी जानकारी पर आपको निवेश करना होता है। इनका मेन इरादा एक चीज़ को छिपाने का ये होता है कि ताकि ये डिमांड को बढ़ा सकें या डिमांड को चेक कर सकें। तो एक डीआरएचपी या ड्राफ्ट डेट हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें या तो नंबर ऑफ शेयर्स को बताया जाएगा या टोटल वैल्यू को बताया जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही बताया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से किसी को समझ में नहीं आया हो, जिसको समझ में आ गया भाई कमेंट कर दें, जी सर बहुत ही टिपिकल टर्म है, डिटेल में नहीं घुसूंगा, पर डीआरएचपी का फुल फॉर्म रट्टा प्लीज मार लेना। तो उस डीआरएचपी के जरिए करीब 1,200 करोड़ रुपए का एक आईपीओ जारी करने की बात है, मतलब एक इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करने की बात है, मतलब कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर ये आईपीओ आपका एक्सेप्ट हुआ, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, तो उज्जीवन आपकी एक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी, वो एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को धीरे धीरे बेच सकती है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपा मलिक जो कि जो चौथी बार लकी हुई हैं, इस बार उन्हें रिकमेंड किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, और इनके साथ जो रेसलर हैं भारत के चैंपियन रेसलर बजरंग पुनिया, उनको भी जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है स्पोर्टिंग का वो दिया गया है। रियो पैरालंपिक्स 2016 में इन्होंने ऑलरेडी एक बार सिल्वर जीता हुआ है, और उनको कई बार दोस्तों इग्नोर किया गया था, फाइनली उनको दोस्तों इस बार जो है वो उनको कहा गया कि उनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के अलावा दोस्तों अर्जुना अवार्ड भी दिए जाएंगे, ध्यानचंद अवार्ड भी, द्रोणाचार्य अवार्ड भी। अर्जुना अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में योगदान के लिए, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस के लिए। ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है आपका, ये भी आपका एक स्पोर्ट का अवार्ड है, और द्रोणाचार्य अवार्ड आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया गगन नारंग को, जिन्होंने खेल प्रोत्साहन के लिए एक स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन बनाया। और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। तो एक बार स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं इसका इमेज रहा, जहाँ पर बजरंग पुनिया रेसलिंग से, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो मेरे भाई, आप में से कई लोगों ने बैंक का पेपर दिया होगा, रेलवे पेपर दिया, एसएससी दिया होगा, यूपीएससी दिया होगा, यूपीएससी छोड़ दो अगर एक बार, और अगर हम बैंक रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, तो सवाल आता है कि फला प्लेयर का फला स्पोर्ट कौन सा है, दिस प्लेयर इज फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो भाई रिक्वेस्ट है, हाथ पैर कान जोड़ के रिक्वेस्ट मेरे भाइयों कि प्लीज़ ये रट्टा मार लीजिएगा। जैसे कि सवाल आएगा तजिंदर पाल सिंह तूर किससे हैं, आंसर क्या है? एथलेटिक्स। रविंद्र जडेजा किससे हैं, ये तो बहुत ही बेकार सवाल हो गया, क्रिकेट। सोनिया लाथर किससे हैं, बॉक्सिंग। तो ये सवाल भी आ सकते हैं, प्लीज़ इनको एक बार रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, रिक्वेस्ट है हाथ पैर जोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाइना ने लॉन्च किया है एक रॉकेट जो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाएगा। इस रॉकेट को यूज़ किया गया, इस रॉकेट का नाम तो जो नाम है वो नाम याद रखिए, नाम है स्मार्ट ड्रैगन 1, वो इसका नाम है, इतना ही याद करिएगा। कि सवाल बनेगा विच रॉकेट फॉर कमर्शियल यूज़ हैज़ बीन लॉन्च बाय चाइना, द आंसर विल बी स्मार्ट ड्रैगन रॉकेट, ड्रैगन 1 रॉकेट, इसको इस्तेमाल किया गया। फिर हॉलीवुड एक्टर हैं पीटर फोंडा, जिन्होंने इजी राइडर जो एक मूवी थी उसमें स्टार किया था, उनका देहांत हो गया है। सवाल एक ही याद रखिएगा कि हु हैज़ पीटर फोंडा वाज अ फेमस, आंसर क्या होगा? एक्टर। मूवीज़ का नाम क्या है? इजी राइडर और उलीज गोल्ड। इनफैक्ट उलीज गोल्ड के लिए इन्हें ऑस्कर में नॉमिनेशन भी दिया गया था,
ये दो चीज़ें आप यहाँ याद रखिए, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट एक्टर कैटेगरी में थे 1997 में, जहाँ जैक निकल्सन की मूवी को अवार्ड मिला था और ये सेकेंड नंबर पर रहे थे। अब आइए चलते हैं आज की द हिंदू खबरों पर। ये रहा आपके सामने पहला पेज। दोस्तों पहले पेज की बात करें तो हुड्डा साहब जो हरियाणा कद्दावर नेता, उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन मतलब उसको हटाना, उसको ख़त्म करना जो है वो एक सही स्टेप है। 18 लोग मरे हैं हिमाचल प्रदेश में रेन से, लैंडस्लिप से, और यूके के अंदर ड्रग शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज को लेकर भी एक मेमो जारी किए गए हैं। और जो लॉट्स टेस्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वो आपका ड्रॉ होके सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अब सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाएगी और कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। बेहद ही दिलेर और बहुत ही अच्छा बयान है राजनाथ सिंह जी का, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो एक बार आइए देख ही लेते हैं कि ये पीओके चीज़ क्या है। पर उससे पहले दोस्तों दो और खबरें हैं पहले पेज पे। एक है भारत भूटान नेशनल पार्टनर्स हैं, यहाँ पर वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिगमे खासर वांगचुक जो कि लेफ्ट में हैं, और साथ में किंग जिगमे सिंगे वांगचुक जो कि पूर्व किंग है वो भी आपके सामने, दोनों यहाँ पर स्क्रीन पे हैं, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ये रहा आपके सामने दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी कि जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ था कबायली। उस कबायली हमले में पाकिस्तान के सैनिक कबायली वेशभूषा में उन्होंने अटैक किया था। अटैक करते करते वो निकले थे पेशावर से और धीरे धीरे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान कवर किया और वो श्रीनगर तक, बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने इतना ज़्यादा हिंसा फैलाई कि बारामूला के अंदर 1 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हुई और बड़े लेवल पर वहाँ पर गैंगरेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। जो त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमें शर्मानी चाहिए। इसके बाद जो हरी सिंह थे वहाँ के लीडर, वो उन्होंने भारत की हर बात मानी, उन्होंने कहा हम आपका इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं, आप प्लीज़ आइए और इन सैनिकों को यहाँ से भगाइए। अच्छा, एक रोचक बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि शेख अब्दुल्ला जो कि उस समय वहाँ के बहुत ही कश्मीर घाटी के सबसे फेमस लीडर, आज भी हैं सबसे फेमस लीडर थे उस समय के, वो भारत के फेवर में थे। तो उन्होंने एक सपोर्ट किया भारतीय आर्मी को और भारतीय आर्मी ने खदेड़ फेंका इनको श्रीनगर के बाहर से। पर नेहरू जी चले गए यूएन और वहाँ पर डिसाइड हुआ कि जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसको माना जाएगा। तो उसमें यह कहा गया कि जहाँ तक टेरिटरी आपकी आ चुकी है, जहाँ तक टेरिटरी पाकिस्तान ने हथिया लिया है, वो पाकिस्तान के पास रहेगा, बाकी इंडिया के पास। जब तक पाकिस्तान अपने सैनिकों को नहीं हटाती तब तक इंडिया भी नहीं हटाएगा, और जब ये हटाएगा तब यहाँ पर दोस्तों एक बातचीत की जाएगी। यहाँ पर 2 नवंबर को एक बयान भी दिया नेहरू जी ने कि प्लेबिसाइट जन्म संग्रह होना चाहिए, जिस बयान से पूरी पिक्चर जो है आपकी दोस्तों वो अनक्लियर हो गई और पूरी पिक्चर जो है आपकी दोस्तों ख़राब हो गई। और वो मामला, अगर वो बयान नहीं आता तो शायद वो बयान नहीं आता और अगर हमारे सैनिक आगे तक बढ़ जाते तो शायद पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर हमारा होता, और हमारा है तो है ही, आज नहीं तो कल हमारा तो होके रहेगा। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर कहा गया कि इंडिया जो है वो बातचीत पीओके की करेगा, वो बातचीत अब आपकी किसी और की नहीं करेगा। पीओके की बात करें तो बेसिकली एक सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे कि कश्मीर है वैसे ही आपका पीओके भी है। इसके अंदर आपके आते हैं दोस्तों दो पार्ट्स हैं, एक आपका जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान। इसके बॉर्डर्स पे आपका आता है पंजाब का एरिया, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का, जिनजियांग रीजन चाइना का, और भारत का इंडियन कश्मीर, वो यहाँ पर आता है। लैंग्वेज आप कौन कौन सी हैं, पास्तो उर्दू कश्मीरी पंजाबी यहाँ की कई लैंग्वेजेस में से एक शुमार है, ठीक है। अच्छा, तो पीएम मोदी जी ने विजिट किया रॉयल यूनिवर्सिटी भूटान को, यहाँ पर 10 अग्रीमेंट साइन किए, और साथ ही में उन्होंने बात की कि भारत का जो एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है उसको लिंक किया गया है भूटान के एक ड्रंकरन नेटवर्क से, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन भारत की यूनिवर्सिटीज़ में है, भारत के कॉलेजेस में है, उस इन्फॉर्मेशन को अब शेयर किया जाएगा भूटान के ड्रंकरन नेटवर्क के साथ। तो आइए एक बार देख लेते हैं ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क या NKN आखिरकार है क्या। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं NKN बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर चाहे कम्युनिटी तौर पे हो, चाहे इंफॉर्मेशन जनरल हो या स्पेसिफिक हो, ये सब भारत के अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग शोधशालाओं से, वेधशालाओं से, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है भारत के अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उसको एक जगह रखा जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि चाहे आप रिसर्च लैब्स की बात कर लें, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, चाहे
जो जो हमारा सर्टिन जो कि साइबर क्राइम का है उसको बात कर लें, जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन इंडिया में है उसको इस ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। अब इस NKN को दोस्तों जो ड्रकरन है वहाँ का उसके साथ लिंक किया गया, जिससे कि जो इंडियन इन्फॉर्मेशन है नॉलेज बेस्ड वो अब भूटान के साथ भी आपकी शेयर कराई जाएगी। वही एक मेन मकसद है आपके नेशनल नॉलेज नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ही खबर इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 पे उड़ीसा ने कंजर्व करने की बात की है अपनी दो सबसे बड़ी लेक्स को, जिनमें पहली लेक है आपकी चिलका जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है, और दूसरी है अनसुपा लेक। इसके लिए 180 करोड़ रुपये दोस्तों जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार समझिएगा अंतर कि जो चिलका लेक है वो एक ब्रैकिश वाटर लेक है। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है बताऊंगा आगे, और जो अनसुपा लेक है वो एक फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक जिसमें कि सॉल्ट आपका होता ही नहीं है। अनसुपा की अगर पहले हम बात कर लें तो अनसुपा फेमस है अपने स्वीट वाटर फिश के लिए, जिसका नाम है लबेओ बाटा। अगर नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ आपको, उसका नाम है लबेओ बाटा, जिसको कहा जाता है पोहाला। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अनसुपा लेक जो है वो पोहाला मछली के लिए फेमस है। और अब आइए बात करते हैं चिलका की और बाकियों की। चिलका लेक भारत की एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है, ये दुनिया ये सबसे बड़ा कोस्टल लगून है और दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा कोस्टल लगून आपके सामने है। ये उड़ीसा में पड़ता है वो आपका, और इसके मुंह पे दया रिवर है जो कि बह बंगाल में आपकी गिरती है। और दोस्तों ये भारत की पहली ऐसी एक लेक है जिसको रामसार साइट जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए फेमस है उसमें इसको स्थान मिला है। कब मिला है इसको, 1981 से ही ये एक रामसार साइट बन के सामने। रामसार साइट होती है एक ऐसी जगह की जहाँ पर पेड़ पौधे और जानवर साथ रहते हैं, उसको उन जगहों को चिन्हित किया जाता है, उन्हीं जगह पर इसको भी चुना गया है। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको, अगर है कमेंट कर दीजिएगा। जी सर, अब एक सवाल बनता है सर कि एक फ्रेश वाटर लेक में और एक सॉल्ट वाटर लेक में अंतर क्या है। एक फ्रेश वाटर लेक वो है जो कि बनती है हिमालय के ग्लेशियर्स से, और एक सॉल्ट वाटर लेक वो होती है जो विंड या रिवर्स के एक्शन से बनती है। फ्रेश वाटर लेक में आपकी ये होते हैं बेस्ट होते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, बिकॉज इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और सॉल्ट वाटर लेक आपका होता है हाइड्रल पावर, जो हाइड्रो पावर है उसको जनरेशन के लिए और सॉल्ट को बनाने के लिए। फ्रेश वाटर लेक एग्जांपल हैं डल लेक, वुलर लेक, बारा पानी लेक, और एग्जांपल हैं सॉल्ट वाटर के चिलिका लेक और पुलिकट लेक। सवाल मेरा आपसे है कमेंट सेक्शन में, पुलिकट लेक दोस्तों कहाँ पर है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रैकिश वाटर की, ब्रैकिश वाटर या ब्रिनी वाटर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, एक ऐसा वाटर होता है जिसका जो पानी के अंदर जो सैलिनिटी है, जो उसमें सॉल्ट कंटेंट है, वो होता ज़रूर है, वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है पर वो सी वाटर लेक से कम होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों एक ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, तो चिलका क्या है आपका, चिलका आपका एक ब्रैकिश वाटर लेक है। इसके अंदर करीब पर लीटर 0.5 से 30 ग्राम तक का सॉल्ट पाया जा सकता है। गिनीज रिकॉर्ड बनाया है एक मूवी ने, एक डॉक्यूमेंट्री ने, दुनिया की सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री का दोस्तों नाम है 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम। ये डॉक्यूमेंट्री आपकी 48 घंटे 8 मिनट लंबी है, और ये डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड तोड़ा है 21 घंटे लंबी सऊदी अरेबियन डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड ऑफ स्नेक्स का। उसकी जगह अब दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम। और ये डॉक्यूमेंट्री आपकी जो है ये रिलीज की गई पठान महिता में, और ये आपका बेस्ड है ऑन द सीरियन चर्च ऑफ मलाबार जो कि फिलिपोसे मार्क क्रिसोस्टम के ऊपर है, उनके ऊपर आपकी है। वो मोटा मोटा बात करूँ, बहुत ही फर्जी बात ना करूं, तो 100 ईयर्स ऑफ क्रिसोस्टम जो है वो अब दुनिया की सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री है, जो कि है 48 घंटे 48 आवर्स एंड 8 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री आपकी, इतना ही याद कर लेना। और इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है वर्ल्ड ऑफ स्नेक्स का। फिर बात करते हैं आगे दोस्तों, आगे बात करें तो मोदी जी को अवार्ड दिया जाएगा, इसकी घोषणा तो ऑलरेडी हो गई थी, पर 23 और 24 अगस्त को जब मोदी जी यूएई जाएंगे, देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है, जब मोदी जी यूएई जाएंगे तो उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविल ऑनर है आपका यूएई का, उनमें वहाँ जाके इन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दोस्तों दिया जाएगा। चलिए तो एक बार देख लेते हैं इसी के बारे में। ऑर्डर ऑफ जायद जो है यह सबसे सर्वोच्च सम्मान है यूएई का। जायद जो थे वो फाउंडिंग फादर थे यूएई के, और ये अवार्ड जो राज्यों के जो देशों के अध्यक्ष हैं, किंग है, राजा रानी है, उनको दिया जाता है। ये पहली बार दिया गया था 1995 में, और ये दिया गया था नोरोहितो को जो कि क्राउन प्रिंस हैं आपके जापान के।
फिर दोस्तों बात करते हैं हम अफगानिस्तान की। मैंने पहले आपसे कहा था सूडान की बात तो मैंने ऑलरेडी कर ली है, अब हम बात करने जा रहे हैं तालिबान और अफगानिस्तान की। एक हमला हुआ है दोस्तों शनिवार को, जिस हमले में करीब 60 से ऊपर लोग मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी ली है आपकी तालिबान ने। तो एक बार आइए देख लेते हैं कि अफगानिस्तान का जो मैप है वो क्या कहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंगों से कहा गया है, जैसे कि तालिबान का जो एरिया है वो ये होगा आपका, ये जो एरिया है ये तालिबान के हैं जो इस कलर से हैं, और जो ये हल्के रंग में है ये आपके एरिया हैं जो कंटेस्टेड है, जिसमें अभी लड़ाई चल रही है, और बहुत ही छोटा एरिया दोस्तों है जो वाइट कलर से है, ये आपका अफगानिस्तान सरकार के अंदर आता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट राष्ट्र है बिकॉज इसके आसपास तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान है, ईरान है, और इसी रूट के ज़रिए भारत चाहता है अपने समुद्री व्यापार को और अपने लैंड रूट को करना, बिकॉज पाकिस्तान वाला रूट तो कभी भी बंद किया जा सकता है। तो तालिबान से बातचीत कर रहा है US आपका, और ऐसी संभावना है कि हो सकता है तालिबान फिर से आपकी पावर में आ जाए, पर यह घटना ने यह साबित कर दिया कि शायद अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। यहां पर एक और खबर आई है कि अहमद शहजाद नहीं कहूंगा, मोहम्मद नाम भूल रहा हूं उनका, वो एक बहुत ही मोटे से प्लेयर हैं, धोनी की तरह खेलते हैं, उनको बैन किया गया 1 साल के लिए। उसका नाम भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ें दोस्तों तो एक खबर थी जो मैंने कल डिस्कस किया था कि जिब्राल्टर, जो कि एक ब्रिटिश यूनियन टेरिटरी, ब्रिटिश की टेरिटरी है, उसने ईरान की जो शिप है उसको रोकने से मना कर दिया है। जिब्राल्टर आपका स्पेन के नीचे पड़ता है और इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट साइड है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, और यहाँ की जो करेंसी दोस्तों है वो है आपकी पाउंड। तो इसने मना कर दिया है कि जो बे ऑफ जिब्राल्टर है उससे ईरान की जो शिप है, टैंकर है, वो आपका ट्रैवल कर सकता है। ये एक खबर यहां पर आपके सामने आई है। आगे बढ़ते तो शुक्रिया दोस्तों आपका आने के लिए, मिलते हैं अब आपसे हम कल। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पसंद करिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम थर्सडे से स्टूडियो से करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ट्यूसडे और वेंसडे को। धन्यवाद।